केंद्र सरकार की योजना है जो थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब इनकी तरफ से हमने हमारे ऑफिस में शंकर मंदिर में जो ऑफिस है वहाँ पर कैंप लगाया है। इस योजना के तहत यहाँ के जो हॉकर्स है जो छोटे कुछ रोज़गार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक लोन है 10,000 का अमाउंट है जिसमें गवर्नमेंट आपको 7% सब्सिडी देती है और आपको 12 महीने के लिए ये लोन मिलता है जिसको आपको रेगुलरली पे करना है। अगर आप इसको रेगुलरली पे करते हो तो क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता नहीं, अगर आप रेगुलरली पे करते हो तो आगे चल के आपको 20,000 का लोन मिलता है। और ऐसे भी लोग हैं क्योंकि पिछले कोविड के बाद जो 2019 के बाद ये योजना वापस यहाँ पर आई नहीं थी, अभी कोविड के बाद पहली बार यहाँ पर ये योजना आई है और बहुत से एनसीपी के ऑफिसेस में ये योजना का कैंप लगा है। आप देख सकते हो हर जगह पे शुरू है। तो 20,000 का लोन जब आप लेते हो उसको भी आपको 1.5 साल में पे करना है। आप वो अच्छे से पे करते हो तो आपको आगे चल के 50,000 का लोन भी मिलता है। हमें अभी एक अंकल चाचा मिल के गए, उनको कल 50,000 उनको विड्रॉ करने उनके अकाउंट से। तो इसमें अच्छी योजना है और लोगों को कोविड के बाद ज़रूरत है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो इससे अच्छी सहायता मिल रही है। पल्लवी जी, आपके जो शंकर मंदिर के पास में एनसीपी के ऑफिस है यहाँ पर ये कैंप आज लगाया गया है, लेकिन जो है ये अभी आपके यहाँ पर कितने दिनों तक ये कैंप चलेगा? ये कैंप आज और कल 2 दिनों के लिए है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। आने वाले संडे और मंडे 20 और 21 तारीख को हम लोग फिर से ये कैंप लगा रहे हैं सम्राट नगर में गौतमी हॉस्पिटल के यहाँ पे। तो वहाँ पर भी आप लोग आकर वहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या क्या जरूरत पड़ते हैं जो लोग अपने साथ लेकर आ सकते हैं? इसके लिए आपको आपके आधार कार्ड की जेरोक्स लगेगी और आपका अकाउंट होना चाहिए नेशनल बैंक में, जैसे महाराष्ट्र बैंक है, कैनरा बैंक है, SBI है, जो नेशनल बैंक्स है उसमें आपका अकाउंट लगेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं बस, इससे आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा और बायोमेट्रिक होके आपको विदिन 2 डेज उसका रिटर्न एक स्लिप मिलेगी और फिर बैंक आपको 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट करती है और बैंक से आपको प्रोसीजर आगे की करनी है जिससे महीने भर में लोगों को ये लोन सैंक्शन हो जाता है। अच्छा, किन लोगों के लिए ये लोन है, मतलब कौन से लोग ले सकते हैं, कौन सा? जो हॉकर्स है, जो ठेले लगाते हैं, किसको फूल या फल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाले हैं, ये छोटे छोटे रोज़गार जो है उनके लिए ये योजना है। और इसमें उम्र की भी सीमा है, इसमें 18 साल से 60 साल तक की उम्र के लोग ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब तक की कितने लोगों ने आपकी ऑफिस से ये योजना का लाभ? अभी सुबह से अराउंड 52 फॉर्म्स यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों को जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है और पूरे मुमरा से लोग आ रहे हैं। अभी भी अमृत नगर है, कौसा है, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। हमारा गाँव देवी है, संजय नगर है, सम्राट नगर है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं और जैसे 5 बजे तक ये कैंप है तो लोग आते हैं। ओके, और मेरे को सिर्फ इतना बताइए, अगर किसी को योजना का लाभ उठाना पड़ेगा तो फिर उठाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, कैसे, किस जगह पे आना पड़ेगा? आज और कल यहाँ पर शंकर मंदिर नाके पे एनसीपी का एक्स कॉरपोरेटर सुनीता सातपुत है, उनका ऑफिस है एनसीपी का, वहाँ पे आपको आना है। अगर आपको नेक्स्ट वीक आना है जो 20 और 21 तारीख को ये है कैंप लगने वाला है, उस वक्त आपको सम्राट नगर आना है जो नर्सिंग होम है, गौतमी नर्सिंग होम, उसके बाजू में है, वो भी एक्स कॉर्पोरेटर सुनीता सातपुते उनका ही ऑफिस है।